बीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीस करी है, दो चादर बख्शीस करी है, दिन यो परवाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरसमय, दास गरीब कबीर अरसमय, वो फर्क ध्वज निशाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीना मगर पियाना सतगुरु, कीना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। अब उसके बाद जो परमात्मा ऊपर जा रहे थे, रास्ते में दुर्गा आई एक सुंदर स्त्री रूप बना करके, अप्सरा का रूप बना करके। देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। माया आद अरस से उतरी, अरस माने आसमान से, आदि माया या दुर्गा, माया आद अरस से उतरी ये बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते मेरा देखो बदन जहूरा हो, माया कहे कबीर पुरुष ते मेरा देखो बदन जहूरा हो, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोग गए हमको सोरा हो, काशी में कीर्ति कर चले जिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम कुटिल नजर तुम गूरा हो, कहे कबीर सुनो री माया, कुटिल नजर तुम गूरा हो, जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूरम दूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, बूर के लड्डू ये बुरादे के कहते, ये तू तो ऐसी है। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे वो पछतावे, वो तास अकल के कूरा हो, वो बुद्धि भ्रष्ट है जो तेरे से संग करेंगे, काशी में कीर्ति कर चाले जिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, ओए होए, श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, कहे कबीर सुनोरी माया, हम से रहियो दूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो। देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले
वो जिलमिल देही नूरा हो, कसी में कीर्ति कर चले वो जिलमिल देही नूरा हो। आप परमात्मा कबीर परमेश्वर का और दुर्गा का एक और संवाद आपको सुनाते हैं। माया सतगुर से अटकी रे, माया सतगुर से अटकी। गरीबदास जी कह रहे हैं उनकी एज इट इज वार्ता जो कबीर परमेश्वर और दुर्गा की हुई है, वह पहचान के सके वतन दी हो रही है, भगवान को भी ना पहचान सकती। काल के अधीन होकर के सब उल्टे कर्म करा रही है, जीव को यहाँ फंसाए बैठी है। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। जोगणी हमरे क्यों भटकी रे, योगणी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी। हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो में झगड़ा है भारी, तो में झगड़ा है भारी। मारे बड़े छत्र धारी, मारे बड़े छत्र धारी। अब दुर्गा कहती है, सेवा कर सो मैं निकी, सेवा कर सो मैं निकी। परमात्मा कहते हैं, हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। अब दुर्गा कहती, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अब परमात्मा कहते हैं, अरे ते तो घाल देई घाणी, अरे ते तो घाल देई घाणी। चलती फिरती क्यों नाही तू, चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा कहते, तू जाती क्यों ना जा यहाँ से। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली। दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। दुर्गा बोली, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। मेरा शरीर कहते नूर का है। अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा बोले, तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ। हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। दुर्गा कहती है, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले, हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर के वासी। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा। अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद जुगा दीनी जी, हम तो आद जुगा दीनी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। अब दुर्गा जब नहीं पार बसाई, अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली। हम तो जोगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा। गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अंगाई तू, तीन लोक ना अगाई। यानी छेके नहीं। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक के देवताओं की दुर्गति कर रही, इन मनी छक्की तू। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। परमात्मा कहते हैं, मेरे सामने क्यों रो रही है कि तेरी दाल गले नहीं। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा राणा को जोवो, किसी राजा राणा को जोवो। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। परमात्मा कहते हैं, फिर मुंह मोड़ कर चल पड़ी वह लंडी नालायक। हिला देना रे भाई, हिला देना रे भाई। हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। अब देखो कितना निर्णय दिया है परमात्मा ने कि जो निकम्मी प्रकार की लड़कियां होती हैं, औरतें हैं, वो कितना हानि पहुंचाती हैं। और अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में परमात्मा ने फिर कैसा निर्णय दिया है।
बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे हेत, फेट पड़े छोड़े नहीं क्या मघर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, फेट पड़े छोड़े नहीं ये काडे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, कोई एक साधु उबरे या करे लाख में चोट। गिरबदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बैने, जाको नहीं पति जिए घूंघट घट में सैन। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बैने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा दीन। बदनारी ना ही ना हरी ये है जंगल का शेर, बाहर भीतर मारे है मुनिजन की ये जेर। सतगुर हेला देते हैं ये सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैना काजर बाहे कर ये खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुल बंस। अपने आत्माओं, हम अपनी बहन बेटियों को जो उपदेश लेती हैं उनको ये इस प्रकार के आडंबरों से मना करते हैं, ये अच्छी बहन बेटियों की नहीं होती। मेहंदी लगाना और फंड करना, नाखून पालिश, ये तो बकवादों की बातें होती हैं। इसलिए हमने भक्त बनना है, अच्छा समाज बनाना है, तो भगवान के आदेश अनुसार ही चलना होगा। नैनो काजर बाह कर ये खा लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। उल्टी मांग भराए कर ये मंजन कर हैं गाते, मिठी बोले मगन होए ये लावे बहुवित घात। माया काली नागनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। अपने आत्माओं, अब ये सारा व्यवस्था ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के कंट्रोल से चल रहा है। अब जो भी यहाँ प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है, ये तीनों गुणों के दबाव से होता है, और इन दोनों ने ही अपने संयोग से इनको रजगुण तमगुण सतगुण युग बना रखा है। इनके प्रभाव से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर क्या बताते हैं, जैसे ये माया दुर्गा और ये काल का जो जाल है, ये कुंडली बतावें, कुंडली जैसे एक नागिनी अंडे पैदा करती है, जब अंडों से बच्चे बनने का समय आता है तो अंडों के चारों तरफ वो अपने पूंछ से दूम से चक्कर लगा लेती है, कुंडली लगा लेती है, और अपने मुंह को मोड़कर उनको फोड़ती है, अंडों को फोड़ देती है, उनसे बच्चे निकल जाते हैं। वो निकल कर बच्चों को भी आभास होता है तुम्हारी माँ खाएगी तुम्हें, तो वो बारी बारी खाना शुरू कर देती है। जब तक वो एक बच्चे को खाती है तब तक दूसरे चेष्टा करते हैं उस कुंडली माँ के शरीर के ऊपर से चढ़ चढ़ा कर बाहर, जब उस कुंडली तो बाहर तक पड़ गया, निकल गया तो बच गया, और जब उस कुंडली में उसका ठह गया सारा न खाओगी। तो अब हम इस काल माया की काल की कुंडली में हैं, और ईव ये समय है यहाँ से निकलने का, जो निकल गए तो बच गए, ना तो ये फिर दुर्गति में ऐसे ही रखेगा, इसने कुंडली मार रखी। तो कुंडली में तो कौन कौन निकले, कुंडली में से निकले रे दास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। इस माया की कुंडली से कौन कौन निकले, रविदास जी और दत्तात्रेय, कबीर परमेश्वर की शरण में आकर उनका उद्धार हुआ, अन्यथा नहीं। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से ये नहीं निकले रणधीर, ना ध्रुव ना प्रहलाद और ना सुखदेव, ये सतलोक नहीं गए, लेकिन आम व्यक्ति से अधिक साधना करके इन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त करके काल की ये कुंडली में। कुंडली में से निकले सुल्तानी और बाजीद, गोपी चंद ना भरतरी लाई डाक फरीद। ना गोपी चंद निकला ना भरतरी निकला, वो शेख फरीद निकला और सुल्तान बाजीद निकला, सुल्तानी अधम सुल्तान अब्राहम अधम सुल्तानी और वाजीद जी और शेख फरीद, ये कबीर परमेश्वर की शरण में आकर निकले। ना गोपीचंद पार हो पाया ना भरतरी, लेकिन अन्य व्यक्तियों से अधिक अच्छी साधना उन्होंने की।
लेकिन